शांति। आज 10 अप्रैल 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिसके द्वारा सबको सबके सहयोग से बहुत अच्छा लाभ मिलता है कि हर बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। और ये दोनों समय प्रयोग होता है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के नीचे एक लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और घर बैठे यदि आप बिना लिंक के सामने बाद में भी मुरली सुनते हैं तो आप उस पर जो भी प्रश्न उठे, जो भी आपके मन में संकल्प आए, विचार आए, तो वो आप अवश्य इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजेंगे तो उसे हम अगले दिन मुरली मंथन में काउंट कर लेंगे, जिससे सबको आपके विचार से भी लाभ पहुंचेगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। रिफ्रेश, फ्रेश माना ताजा, रिफ्रेश माना दोबारा ताजा होने के लिए आते हो। पहले कब आए थे? 5000 साल पहले आए थे। हर 5000 साल बाद हम बाबा के पास रिफ्रेश होने आते। दूसरा, पहले भी हमने बाबा की मुरली सुनी, अब फिर आज मौका मिला तो आज फिर हम मुरली सुन रहे हैं। एक होता है उसी कल्प में रिफ्रेश होना, एक होता है कल्प कल्प रिफ्रेश होना। यहां तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा, सत्य का सच्चा संग मिलता है। सत्य एक ही शिव बाबा है, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, उसका सच्चा सच्चा संग मिलता है। आज की मुरली का सार है कि आप हर कल्प या उसी कल्प में भी जो कुछ आप सुनकर जाते हैं, दोबारा से आकर आप अपने अंदर उस सच्चाई को जानकर फिर से ताजा हो जाते हैं। और ये सच्चाई स्वयं गॉड के द्वारा, परमात्मा के द्वारा तुम्हें मिलती है। प्रश्न, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी राय देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं, जिस राय के आधार पर हम सब की उन्नति होती है, चढ़ती कला होती है, हम गिरती कला से चढ़ती कला में चले जाते हैं, उसके लिए क्या सलाह देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करें। संसारी शब्द का मतलब ही है कि हम देह अभिमान में आकर एक दूसरे के साथ संसारिक बातें ना करें। संसारिक बातें मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, व्यर्थ की बातें, जिनको कितना भी मथो उसमें से मक्खन निकलने वाला नहीं।
अर्थात सुख की बात मिलने वाली नहीं, उसमें तो गंध ही मिलेगा। कोई सुनाता है, आते हैं सारे सुनाते हैं, कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो, सुनते हुए भी कि ये बात व्यर्थ की बात है, उस व्यर्थ की बात को सुना अनसुना कर दो। अच्छे अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी सेवा है, वो पूरी करते हैं और फिर मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते और सुनाते, इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती, फिर उन्नति नहीं होती, क्योंकि समय बर्बाद हो गया। तो जो समय बर्बाद हुआ वो समय और उन्नति करने का था, ऊपर चढ़ने का था, वो नीचे गिर गए। तो इसलिए एक भी श्वास, एक भी संकल्प, एक भी सेकंड व्यर्थ चिंतन, संसारिक जारमुई झगमुई का मंथन नहीं होना चाहिए। झगमुई का मतलब होता है मंथन, झारमुई का होता है आपस में आमने सामने बातचीत करना। आमने सामने बातचीत करते रहेंगे, कोई आमने सामने नहीं है तो उसकी बातों को अपने अंदर मथते रहेंगे। वो तो अपना कचरा डालकर चला गया और वो खुद अपने अंदर मंथन करते रहते हैं, हाय उन बिचारों के साथ कैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो तो चला गया और मैं अपना समय उनकी बातों को सोचकर अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। उन्नति नहीं होती फिर उनकी। ओम शांति, डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों का को अर्थ तो समझा दिया है, मैं हूं आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूं, ये तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। माया की लड़ाई, हमारे अंदर जो अभाव है वो लड़ाई जरूर होती है, क्योंकि हमारे अंदर नई बातें, सत्य बातें जीवन में आ रही हैं, तो फिर हम उनके साथ युद्ध तो चलेगा। दो विरोधी बातें आ गई, एक हमारे अंदर है, एक बाहर से आई। या तो हमारे अंदर देवी गुण है तो बाहर से अवगुण आया, या हमारे अंदर अवगुण है तो बाहर से देवी गुण आया, तो उनमें लड़ाई होने के कारण थोड़ा डिफिकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान कोई दे ना सके, कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान सागर एक ही है, एक ही बाप है ज्ञान का सागर। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। स्वयं सृष्टि का जो रचयिता है वही आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, और कोई देहधारी जो इस जन्म मरण के चक्कर में आ गया वो आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान
बेहद ज्ञान नहीं दे सकता। वे तुम बच्चों को मिल रहा है, कई अच्छे अनन्य बच्चे भी मभूल जाते, अनन्य बच्चे, विशेष बच्चे जो इतना ध्यान से सुनते थे वो भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है, बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबर वार होंगे, स्कूल में तो जरूर नंबर वार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। ये क्या मतलब हुआ? स्कूल के नंबर गिने जाते हैं। आप कहीं भी एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो स्कूल में क्या नंबर लिए, दसवीं में कितने नंबर लिए थे, बारहवीं में कितने नंबर लिए थे, बीए में, एमए में या किसी भी डिग्री में कितने नंबर लिए थे, ये गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। ये स्कूल है जहां हम पढ़ रहे हैं, ये स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ना सके? क्यों? क्योंकि सब देहधारी है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, शिव बाबा तो भक्ति नहीं करते ना, तो खुद वो भक्ति नहीं करता तो वे भक्ति का ज्ञान कैसे देंगे, वे किसकी भक्ति करेंगे? शिव बाबा किसी की भक्ति करेंगे? वो खुद भक्ति नहीं करता तो वो हमें कैसे कहेंगे कि भक्ति करो? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वे किसकी भक्ति नहीं करते? बाकी जितने भी देहधारी हैं वे सब भक्ति करते हैं। क्यों? क्यों भक्ति करते हैं? क्योंकि रचना है ना, बाकी सब रचना है, एक शिव बाबा रचयिता है। ऐसा क्यों? बाबा तो कुछ रचता भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं। शिव बाबा रचता कैसे है? बाबा हमें देव गुण सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन में उसको लाना है। रचता तो नहीं है ना, देवी गुण हम मर्जी है धारण करें, मर्जी है धारण ना करें। स्वर्ग एक ईंट नहीं लगाता, हमें बता देता है ऐसे ऐसे करो तो तुम अपने लिए स्वर्ग बना सकते हो। बाबा रास्ता तो दिखाते हैं ना। रास्ता तो दिखाते हैं। तो रास्ता दिखाने वाले को रचयिता कहा जाएगा और जो बनाता है उसको रचयिता नहीं कहेंगे। बड़ा वही होता है जो विधि बताता है, विधि सिखाता है। शिव बाबा कल्प कल्प आकर हमें इस नरक को स्वर्ग बनाने की विधि सिखाते हैं, जो हम भूल गए थे, जो हम भूल गए थे वो विधि शिव बाबा आकर सिखाते हैं, इसलिए उसको सुप्रीम रचयिता कहते हैं। और हम क्या हैं? रचना। मास्टर रचयिता, बच्चे हैं तब हम रचना है, क्योंकि हम उनकी डायरेक्शन पर स्वयं को भी ना केवल स्वर्ग की रचना करते हैं, स्वयं को भी उनकी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनाते हैं। रचयिता है एक बाप, इसलिए उनको बाप कहा जाता है। बाकी उसने हम आत्माओं को नहीं रचा, वह हम आत्माओं का रचयिता होने के कारण बाप नहीं है।
जैसे स्थूल में हम शरीर की रचना करते हैं, वस्त्र में बनाते हैं, इस प्रकार से परमात्मा कहते, बच्चे मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया, मैं तुम आत्माओं के विकृत रूप को दोबारा से हर कल्प आकर अपलिफ्ट करने का रास्ता दिखाता हूं। मैं तुम आत्माओं का रचयिता नहीं हूं, मैं तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने की विधि बताता हूं, जिससे तुम पतित से पावन बन जाते हो। इस प्रकार से वो हम आत्माओं का बाप बनता है कि वो हमें हर कल्प विधि देता है, जिससे हम जो अटके हुए थे या जो हम गिरते चले जा रहे थे, अब हम चढ़ती कला में और अपने उस मंजिल को प्राप्त करते हैं जिस मंजिल से हम आत्माएं परम धाम से आई थी। 100 पर आई थी तो 100 बन के जाती हैं, 80 पर आई थी तो 80 बन के जाती हैं, 30 बन के आई थी तो 30, 2 बन के आई थी तो 2। जिस अवस्था से हम परम धाम से आए थे उस अवस्था को पुनः प्राप्त करते हैं हर कल्प, ताकि अगले कल्प हम फिर उसी समय उसी प्रकार से पाठ बजाने के लिए आए। बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वे सब हैं रचना, वो सब हैं रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है, ये सारी बातें हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा, बाप बिगर तो मिल ना सके, बाप के बिना तो मिल नहीं सकता। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है, 5000 वर्ष पहले भारत में इनों का राज्य था, 5000 वर्ष पहले भारत में इनों का राज्य था, 2500 वर्ष सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की राजधानी चले। तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। कितनी वंडरफुल बात है कि एक बाप ही है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानता है और कोई भी नहीं, क्योंकि बाकी सब विस्मृति में आते हैं, बाप आकर सबको स्मृति दिलाते हैं। पतित पावन वो बाप ही है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे, ये चक्र भी समझाया गया है, ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है, सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते। ये गुर गुर क्या होता है, एक दूसरे को अपनी देह अभिमान वाली, जो देह अभिमान है वो दिखाते हैं कि तुम क्या हो और हम क्या हैं, गुर गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हाल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो, आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे, बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे ना, ये दुनिया वालों के पास जाने का काम तो आप आत्माओं का है ना। जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते, कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके, कोई भी पवित्र, एक भी, कोई भी
पवित्र हो ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य जो पूज्य है वही करते हैं। स्थापना का कार्य कौन करेंगे? जो पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प बन जाते हैं पुजारी। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, इस बाबा ने ढेर गुरु किए, 12 गुरु किए थे। अब समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, अभी सत गुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। सबकी, ये शब्द याद रख देख रहे हैं, सबकी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सबकी सतो प्रधान अवस्था अलग अलग है। चाहे वो सतयुग में आए तो भी सतो प्रधान, त्रेता में आए तो भी सतो प्रधान, द्वापर में आए तो भी सतो प्रधान, कलयुग के अंत में भी आए तो भी सतो प्रधान, परंतु उन हर एक आत्मा की सतो प्रधानता उस समय से ही काउंट होती है जब वो आती है, क्योंकि हर आत्मा को अपनी चार अवस्थाओं में से गुजरना ही है। ये पॉइंट्स समझने की है। अब तो सारी दुनिया तमो प्रधान पतित और पुजारी बनी है, इसलिए जाकर गाते हैं पतित पावन आओ, मैं मूरख खलकामी विषय विकार मिटाओ। ये बात समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, सब विकार से जन्म लेते हैं, सब का जन्म विकार से ही होता है। रावण राज्य है, लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु अर्थ कोई भी नहीं जानते, परंतु वे पूज्य हैं क्योंकि वहां रावण नहीं। अक्षर कहते हैं परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा, दुनिया में कितने मत पत चलते हैं, कहां से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। उस सत्संग में गए वहां कुछ फायदा लगा, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे में चले गए, चौथे में चले गए। तो एक को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं, तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो। पारस बुद्धि, स्वर्णिम बुद्धि, सतयुगी बुद्धि बन रहे हो। पारस का अर्थ होता है सोना, और पारस का पत्थर होता है, इसलिए उसको पारस का पत्थर बोलते हैं कि ये पत्थर पारस बनाने वाला है, सोना बनाने वाला है। फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं। अब बाबा तो आके सबको बनाते हैं, परंतु हर आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार कोई 20% कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये राजधानी स्थापन हो रही है।
अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे बच्चे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। ये है बेहद की बात, बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहां तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वे दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहां तो बाबा कशिश करते हैं, कशिश करना वाला खिंचाओ, आकर्षित करते हैं। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, तुम ये सत्य का के संग में बैठे हो। कहां बैठे हम? सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में है। उनको सत्य संग कहना भी बड़ी भूल है। तो जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य सत्य मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। मनुष्य जिसकी पूजा करते उनसे पूछो आप किसकी पूजा कर रहे हो, वो नहीं जानते। जो बिना जाने काम करते हैं तो उसे अंधश्रद्धा कहते। आप जो कुछ भी करें, देखकर जानकर समझकर करें, तब तो हैं आप ज्ञानी बच्चे। और यदि आप लकीर के फकीर भेड़ चाल चलते हैं तो आप हैं भगत बच्चे। वे जब कहां जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है, हीरो में वजन करते हैं। नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं, जो मकानों में लगाते हैं। यहां कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरों का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं, ये भगवान बैठ समझाते हैं, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था, तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानोवाच। भगवान ने कहा है हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। खाली भगवानोवाच नहीं, सिर्फ भगवानोवाच कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे, क्योंकि आज दुनिया में इतने भगवान हैं, कौन सच्चा है ये फैसला करना कठिन होता है। भगवान तो है निराकार,
इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, फिर उनको गुरु भी कह देते हैं। कैसे कहते हैं? ब्रह्मा गुरुवे नमः, विष्णु गुरुवे नमः, है नहीं? इन तीनों को गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वरा, तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। परंतु उन तीनों को गुरु भी कहते हैं और शिव शंकर को भी एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी कहते हैं कि बाकी शंकर ने अमर कथा सुनाई, कब सुनाई, कैसे सुनाई, क्या सुनाया, ये किसी को भी पता नहीं। अब शिव बाबा आकर तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब को अपने में मरने का भय आ गया था, आपने स्वयं को मरने वाला शरीर समझ लिया था, इसलिए अब शिव बाबा आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते। बाप तुम बच्चों को आत्मा समझ कर ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है ईश्वर, भगवान आदि भी नहीं। एक शिव बाबा है ईश्वर, भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना। भगवान आदि भी नहीं, मतलब भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं बताया कभी के नहीं? नहीं बताया। भगवान कहा जाता है जो भगवान पांच तत्वों को कंट्रोल करे, नियंत्रण करे, भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नीर। इन पांचों तत्वों को जो कंट्रोल करता है वो भगवान, भगवती। तो बाबा कहते मैं भी इन पांचों तत्वों को कंट्रोल करता हूं, इसलिए मुझे भगवान कहते हैं। और मैं लक्ष्मी नारायण को भी, तुमको भी इन पांचों तत्वों पर कंट्रोल करना सिखाता हूं। तुम भी इनको कंट्रोल करते हो तो लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती बनाता हूं, परंतु वे अगले पल ही उसके प्रभाव में आते जाते हैं, फिर उनको भगवान भगवती नहीं कहा जाता। अब भगवान दुनिया में इतने सारे हो गए तो किसको भगवान माने, ये कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान कहने से वो प्यार वाला रिश्ता भी नहीं दिखाई देता जो शिव बाबा कहने से बाप और बच्चे का संबंध दिखाई देता है। तो मीठे मैं बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों तो वो बाबा हुआ ना। वो कितना परिवार का भाषणा आती है, प्यार की भाषणा आती है जो भगवान कहने में नहीं आते।
तो इसलिए बाबा भगवान कहने के लिए मना कर रहे हैं। बाप सन जाते हैं, आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं, आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है, तब तो पतित बनती है। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी देवताएं हैं, श्रेष्ठाचारी कहते भी हैं, वह हम क्या हैं? भ्रष्टाचारी हैं और देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। इसलिए अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि खुद को कहते हैं हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम मूर्ख हैं, हम खल कामी हैं। इसलिए अपने आप को देवता नहीं कह सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सत गुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक हैं, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं। अब बाप जो सत गुरु है अकाल है, वो खुद बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार है, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहां से निकले और खलास, बाबा मना करते हैं। बच्चे कभी भी संसारी झग मोई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वे अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चन का बड़ा अच्छा संबंध है, श्री कृष्ण और क्रिश्चन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है, पहले श्री कृष्ण होता है नाम, फिर उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, समझ रहे हैं बात को? वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है, छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने ये भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बजता है। अब ये बाबा ने नर्स शब्द प्रयोग किया है, है ना? अब जैसे आजकल की नर्स उस समय आजकल की तरह की नर्स नहीं होगी,
तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना, परंतु जो भी इस काम को करेंगे उसे नर्स ही कहा जाएगा। कृष्ण और क्रिश्चियन बोला ना, हाँ, उसका कैसे मेल होता है क्रिश्चियन और श्री कृष्ण का? अभी बाबा बताने वाले हैं। बाकी कृष्ण जो है, बाबा ने कहा कि वो सतयुग में राजाई लेता है, जब वो पतित होते हैं तो क्रिश्चियन राजाई में आ जाते हैं, फिर क्रिश्चियन राजाई देता है तो कृष्ण बन जाते हैं। तो वो तो ये मुस्लिम भी आते हैं। हाँ, सारे किसके बच्चे हैं? बाबा के ही तो बच्चे हैं ना। कृष्ण माना ब्रह्मा, ब्रह्मा माना आदम, एडम, मनु, नोवा, जहोवा, ये सारे के सारे क्या हैं? जितने भी नोवा, ये नोवा जो धर्म गुरु बने सारे, मतलब उनका पहला पहला जो है, हर एक ने यही लिखा कि एक बुढ़ा था एक बच्ची थी। चाहे मनु ले लो तो ईड़ा थी, श्रद्धा थी, एडम ले लो तो उसके साथ कुमारी ईव थी, और आदम ले लो तो उसके साथ बीबी थी, मतलब ये सब ने दिखाया। तो बचपन नाम अलग अलग हैं, बात सबकी, कहानी सबकी एक ही है, तरीका बताने का जैसा उनको समझ में आया। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बजता है, जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते, ये तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार, माया की भी प्रवेशता होती है, माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर ये रूप है, रावण का क्या रूप है? पांच विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। ये है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है, यहां तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन बन जाएगी, फिर ये खल उतार देंगे, फिर ये जो शरीर है ये हम उतार देंगे, इस शरीर को हम आत्मा धारण करती हैं और शरीर को हम आत्मा ही छोड़ती हैं, शरीर हमें नहीं छोड़ता। फिर तुमको सतो प्रधान खल शरीर मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी, सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं, अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए, हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो ये भी क्या कहेंगे,
कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, लक्ष्मी नारायण से पूछेंगे तो क्या कहेंगे लक्ष्मी नारायण? हाँ, ये भी नेति नेति कहेंगे, क्योंकि इनको नहीं पता, लक्ष्मी नारायण को नहीं पता कि सृष्टि कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण से कोई पूछेगा भी नहीं, पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से, तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, तुम किसको समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, बोलते बोलते गला भी चौक हो जाता है, जमा जाम हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है। कभी हुआ आपका गला चौक, बोलते बोलते गला जाम हो जाए? हमने बहुत बार किया, उस टाइम तो जोश होता है, पूरे जोश से बोलते जाते हैं, भीड़ सामने खड़ी होती है, परंतु बाद में पता लगता है कि गले का क्या हाल हुआ। बात तो बच्चों को ही सुनाएंगे, बात तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने समझा है उन्हीं को समझाएंगे ना, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। भाई जो बच्चे ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर समझ कर अपने जीवन में ला रहे हैं वही तो समझेंगे, औरों के साथ फालतू माथा थोड़े ही माथा लगाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं, ना सुननी है और ना फिर सुनानी है। परंतु प्रॉब्लम ये होती है दुनिया में, कोई कुछ कह के गया है, जब तक वो हम किसी दूसरे को सुनाएंगे नहीं तो पेट में गुड़ 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 होती रहेगी। जब तक वो बात निकलेगी तब जा करके मन ठंडा होगा। बाबा कहते मुझे सुनाते हो गुरु। हाँ, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, बाकी किसी को नहीं सुनाओ? तो बाबा क्या कहता है कि मेरे को सुनाओ? नहीं, बाबा ये नहीं कहता मेरे को सुनाओ व्यर्थ बातें। बाबा तो ये कहता है कि आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे सुनाओ। ये जो कॉन्फेस करना है, अपना कोई गलती है, अपना कोई अपराध है, उसको कॉन्फेस करना है, स्वीकार करना है। जैसे क्रिश्चियंस में है, आपने कोई अपराध कर दिया है तो वहां जाओ और उसे सुना दो, तो यीशु मसीह क्या करेगा, क्षमा कर देगा। इसी आधार पर हाँ, दूसरी तरफ पादरी बैठा होता है और पादरी को ये प्रतिज्ञा ली हुई होती है कि मैं उसे सिर्फ सुनूंगा
मैं उसे कभी किसी दूसरे को बताऊंगा नहीं, परंतु है तो मनुष्य ना, इसलिए वो सुनने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि उसने उसका दुरुपयोग या मिसयूज किया, क्योंकि मनुष्य है। बाकी नियम होता है कि वो जाएंगे, घंटा बजाएंगे, और घंटा बजाने का मतलब होता है जैसे हम घर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं ना, ऐसे उन्होंने चर्च में घंटा लगाया हुआ था कि आप कोई दुख है या कोई आपको कोई खुशी की बात है, दोनों बातों के लिए आप वहां जाएंगे, घंटा बजाएंगे, तो कोई आएगा और वो बैठ जाएगा और उसके बाद आप अपनी बात कहेंगे। तो ये कॉन्फेस करना, बाबा कहते आपसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, बाकी व्यर्थ की बातें मेरे को सुनाने मत बैठो। तो फिर भाई जी कहां ले जाए व्यर्थ की बातें, उन्होंने तो सुना दिया हमें। उन्होंने सुना दिया तो बाबा ने कहा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, उसी टाइम निकाल दो, उसको रखने के लिए तो कहा ही नहीं ना। हमने व्यर्थ को मत मंथन करना माना, हम पानी को मत रहे हैं या व्यर्थ के बजाय गंध को मत रहे हैं, वो गंध सुना के गया है तो हम गंध का मंथन करेंगे तो उसमें गंध के मंथन करने से बदबू ही निकलेगी, पानी का मंथन करने से झाग बनेगी, बाकी कुछ मक्खन निकलने वाला नहीं है। भाई जी हमें सेंटर पे बताया करते थे कि जो कुछ भी है बाबा के आगे बोल दो। जो कुछ का मतलब कि आपसे कोई अपराध हुआ है, आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपना बताओगे, अपना बाबा से बात करोगे ना, बहनों से बात नहीं करो। मैक्सिमम सेंटर्स पर ये जो गलतियां हो रही हैं वो ये होती है, बहनें भी सुनने में इंटरेस्ट रखती हैं, अच्छा आज आपके पति के साथ कैसे बात हुई, सास के साथ कैसे बात हुई, ननद के साथ कैसे बात हुई, उसके साथ कैसे बात हुई, ये है मतलब बहनों का अपना दिमाग खराब करना। आप जाते हैं, आपने थोड़ा सा किसी भी वो पूछ लेते हैं, हाँ भी कैसे है, ठीक है ना घर में, कहाँ ठीक है बहन जी, बस क्या बताऊं, बस क्या बताऊं के बाद बताऊं शुरू हो जाता है, फिर वो घंटों लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है। तो बाबा कहते ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं सुनाओ। अनिल भाई कुछ पूछ रहे हैं। क्रिश्चियन डिनास्टी को वेलकम टू कहेंगे क्या? हाँ जी, ये बात तो मैं ये उस टाइम भी आपके साथ चर्चा किया कि कृष्ण जब जन्म लेते हैं, ये बाबा ने कई बार मुरलियों में कह दिया है कि उसे वैकुंठ कहा जाता है, सतयुग को वैकुंठ नहीं कहेंगे। कृष्ण संगम पर जन्म लेता है उसको वैकुंठ कहा जाएगा, जब वो नारायण के रूप में ड्रेस पहन कर खड़ा होता है तो उसे वैकुंठ नहीं कहेंगे। क्रिश्चियन की डिनेस्टी को वैकुंठ नहीं कहेंगे, कृष्ण की डिनेस्टी को वैकुंठ कहेंगे। क्रिश्चियन को तो नर्क कहा जाता है ना, कृष्ण तो आते ही नरक में है। जब कृष्ण पतित होता है, काला होता है, तब कृष्ण धर्म शुरू होता है, फिर बाबा आकर कृष्ण धर्म या पतित धर्म जो है ये सारे दुनिया के अधर्म उनको खलास कर फिर कृष्ण को बनाते हैं। परमात्मा आकर कृष्ण से कृष्ण बनाते हैं और वो कृष्ण से कृष्ण खुद बन जाते हैं, ये संबंध दिखाया है।
तो एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं। मतलब जैसे कृष्ण को झूला झुलाते तो क्रिश्चियन भी क्राइस्ट को झूले में रखकर उसका भी झूला झुलाते हैं। वो कहते हैं हमारा क्राइस्ट भी बच्चा पैदा हुआ और वो कैसे बना, परंतु वो बेचारे सच को भूल जाते हैं, नकल करने में एक दूसरे के साथ चल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण का जन्म जैसे होता, क्राइस्ट का जन्म वैसे नहीं होता। ये हमें बाबा ने स्पष्ट किया। क्या अंतर है कृष्ण के जन्म में और क्राइस्ट के जन्म में, बाबा ने बताया हुआ? हाँ जी, हाँ, क्राइस्ट तो पर काया प्रवेश करके पहले धर्म की स्थापना करते हैं, फिर जन्म लेकर पालना और संहार के निमित्त बनते हैं। परंतु हाँ, परंतु कृष्ण भी पतित बनेगा, परंतु कृष्ण की आत्मा पहले ही अपने शरीर की रचना खुद करती। तो बहुत अंतर है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं। जो दुनिया वाली बातें हैं उन सब को भूल जाना है, परंतु कहां रहना है हमको, आत्म स्मृति में रहना है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, जो बाबा ने कहा वो याद रखना है, उन्हें भूलना नहीं है। नंबर दो, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही स्मरण होता रहे, किसी भी बात में संकल्प ना चले। उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। वरदान मैं पन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भाव, मैं पन, मैंने किया, मैंने किया, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ये, मैंने वो, मैंने, बाबा ने ये कराने के निमित्त मुझे बनाया है। बाबा करण करावन हार है और मैं भी क्या हूं, बाबा करण करावन हार हूं, तो मेरे साथ मास्टर लग जाता है। तो मैं पन को खत्म कर देना है, बाबा करवा रहा है। बाबा के करण करावन हार में और हमारे करण करावन हार में क्या अंतर रहता है? बाबा कहते मैं करता हूं, क्या बाबा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ये बाबा करता है। और करावन हार हमसे इस नरक को स्वर्ग बनवाता है। तो मैं करणहार करावनहार कैसे हूं, तो अपने लिए समझना है कि मैं आत्मा करणहार क्या है। करणहार आत्मा कि जो बाबा ने श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुसार मैं इस शरीर से करवाती हूं। मैं करण करावन हार आत्मा हूं, मैं आत्मा बाबा की श्रीमत से क्या करती हूं, इस शरीर से करवाती हूं। तो मैं करावन हार हूं और मैं जब बाबा की श्रीमत पर चलती हूं, मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करना करण हार और इस शरीर से कराना करावन हार। मैं आत्मा करण हार हूं और इस शरीर से
करावन हार। मैं पन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भाव, जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा, मैं पन बाबा में समा जाए। बस जो किया बाबा ने कराया, बाबा कराने वाला है मैं नहीं। बाबा बैक बोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम्हें साथ रहना, खाना, चलना, फिरना बाबा के साथ, ये इमर्ज रूप में स्मृति में रखो, ये इमर्ज रूप में स्मृति में रखो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, मैं करना माना माया बिल्ली रूपी माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, मैं आऊं तो बाबा कहते म्याऊं म्याऊं, ये बिल्ली है। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।